क्या कर रहे हो भाई? ये आराम से प्लग निकालो बेटा उसका ऊपर से। एक बंदा फैन उठाए और आप वो प्लग निकालो, फैन पकड़ो बेटा इसके साथ। अब आराम से इसको ऊपर रखो। निकल रहा है बेटा, निकल रहा है, वो पीछे से बिल्कुल निकल गया है। क्लास में आओ भाई, तुम लोग फटाफट से क्लास में आओ। अच्छा भाई, हमने कहां तक देख लिया था? नंबर्स में थे, परसेंटेज और फ्रैक्शन वाला पार्ट देखा था, और फ्रैक्शन के अंदर मैंने मेन चीज आपको सिखा दी थी, तीनों की कन्वर्जन थी। और कोई ऐसी चीज यहाँ पर? क्वेश्चन दिए हैं, कुछ देख लेते हैं क्या है भाई। हाँ भाई, तो इस चीज का मुझे जवाब देना है आपने, जिसको मैं पूछूंगा। आप आए थे कल? कल नहीं आए थे, क्यों? क्या? अच्छा भाई, तुम खड़े हो जाओ। क्या कल कौन कौन नहीं आया था? क्यों नहीं आया था भाई तुम लोग, इतने सारे बच्चे? चलो भाई, जो आए थे वो तो, तुम आए थे? वाह भाई, आप तो आए थे ना, खड़े हो जाओ। इसका जवाब बताओ क्या है और कैसे है। 4/5 लिखा हुआ है, इसको परसेंटेज में कन्वर्ट करना है आपने। कॉपी रखो पास, पेन रखो, सॉल्व करो भाई बच्चे। रमजान में क्या होगा इधर? रमजान में यहाँ क्या होगा भाई? ये खिड़की खोल दो। अच्छा, हाँ भाई, क्या हुआ? 8% कैसे? 4 को 5 पे तो 8 बचा, तो परसेंटेज में बताओ, परसेंटेज में कन्वर्ट कैसे किया आपने? आपने 4 को 5 पे डिवाइड किया, क्या आंसर आएगा? 8 आएगा। 4 डिवाइडेड बाय 5 का आंसर 8 होता है। 4 को 5 से डिवाइड करने पर क्या आंसर आता है, पहले तो ये बताओ ना, आगे तो चले जाएंगे। हाँ, 0.8 आ रहा है। अब क्या करना है? ये आ गया किसमें? ये डेसिमल में आ गया। अब इसको कन्वर्ट करना है परसेंटेज में। परसेंटेज में कन्वर्ट करने का क्या रूल था? खामोश। हाँ भाई, क्या रूल बताया था? डेसिमल टू परसेंटेज में जाने के लिए क्या रूल था? खड़े हो जाओ, कल आए थे? क्यों भाई, कल नहीं आए थे तुम? ये आया नहीं था कल? अटेंडेंस निकाल दूंगा बेटा मैं भी, पक्की बात है। पता नहीं क्यों लग रहा है, कल तुम तो आए थे, खड़े हो जाओ। हाँ ना, हाँ भाई बताओ जरा। पॉइंट को 2 दफा, 1 दफा, 2 दफा, तो यहाँ कुछ नहीं है तो 0 आएगा, तो 80%। ये आंसर है इसका, सी इज द राइट आंसर। ठीक है, ये इसने बताया डिवाइड किया 0.8 आया, जैसे आपने डिवाइड किया। इसने बताया मल्टीप्लाई बाय 100, या फिर मैं जैसे मैंने बताया 2 दफा इसको राइट की तरफ ले जाओ आप, सिंपली आपका आंसर आ जाएगा। बैठ जाओ भाई।
नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। हाँ भाई, इस सवाल का जवाब मुझे देगा ये रेड टोपी वाला, खड़े हो जाओ, इसका जवाब दो। हाँ हाँ, इसको परसेंटेज में कन्वर्ट करना है आपने, क्या परसेंटेज आएगा? पेन पकड़ो, कॉपी लो, लिखो। जल्दी जल्दी बेटा, फटाफट 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 जल्दी। शाहदेव के पीछे जो बच्चा है क्लासेस वाला, आप इस साइड पे आगे आओ ना भाई, आगे आओ, और पीछे क्लास में बैठे हो, तुम भी क्लास में हो, कौन सी क्लास में हो, आगे आओ, इधर उठ के आगे आओ। ये इतनी जगह आगे क्यों खाली है, वो पीछे पड़े हैं, आगे आओ, उठ के आगे आओ बेटा, अपनी चेयर लो, इधर आओ, इधर रखो चेयर। चलो भाई, तुम भी इस तरफ आगे आओ। हाँ भाई बताएं, तुम उठो, इधर आगे आओ, इस चेयर को इधर करो, थोड़े से इधर आओ, वो आगे वाले को भी बोलो आगे आओ, एक एक स्टेप आगे होते जाओ, सब यहाँ बैठे हो ना भाई, इस पर चेयर पे बैठो तुम, आगे वाले को बोलो और आगे है पीछे वाले को। चलो भाई, वो ग्लासेस वाले तुम खड़े हो, आप सॉल्व करो इसको, क्या आंसर है ये बताना है आपने। अबे यार, ये तो बड़े खतरनाक हालात वाकया चल रहे हैं। भाई क्या आंसर है, कोई बच्चा बताए? बी आंसर है। 11 को आपने डिवाइड किया 116 से, क्या आंसर आ रहा है? 0.68 आ रहा है, और पॉइंट को दो दफा इधर किया तो 68। तो अच्छा, ये 68 नहीं होगा ना, फिर ये होगा 68.75 है, ये आ रहा है ना। तो पॉइंट को दो दफा इधर किया आपने, यहां तक आया पॉइंट 68.75, ऐसे बोलो ना, कंप्लीट जवाब दिया करो। यू आर राइट, इसने डिवीजन किया, ये आया पॉइंट दो दफा इस तरफ जाएगा, ये आपके पास सॉल्यूशन है इसका। चलो आगे चलते हैं। हाँ भाई, कॉर्नर वाला, आदिल के पीछे वाला बच्चा, आप बताओ। क्या आंसर है? 6.5। हाँ हाँ करो, डिवाइड मोबाइल से कर लो बस। क्या आंसर आया भाई फिजादे? तो वो बता रहा है, हाँ 65 आ रहा है या 6.5, वो बताएगा ना। आप लोग क्यों बोल रहे हो, क्या है भाई? 65, ठीक है भाई, शाबाश। नेक्स्ट 4 पर आ जाओ। ये आंखें मेरी जल रही हैं, आप लोगों की भी जल रही हैं, बहुत अजीब है यार, वहां अंदर था तो सत्यानाश हो गया, घर से अच्छा बनाया था, इधर तो तबीयत खराब हो गई है। हाँ, अजीब सी वो चल रही है, लू नहीं होती जैसे, वैसी हवा चल रही है, ये पंखे से भी अजीब ही हो रहा है। हाँ भाई, इसका जवाब दो। अच्छा ये मैं बता देता हूँ, इसको सॉल्व करने का तरीका ये है, 43 है ना, 41
40 और 43 अपॉन 40 है ये, ठीक है, ये वाला तरीका है। वन हंड्रेड सेवन पॉइंट फाइव परसेंट। अच्छा 107.5% है, यही है, ठीक है। अच्छा वैसे इसका एक अंदाजा ऐसे भी लगाया जा सकता है, जैसे मैंने इसको देखा एक नजर में तो मुझे समझ आ गई थी ये आंसर है, उसकी वजह बता देता हूं। 40 और ऊपर वाला नंबर क्या है, 43 है। देखो अगर 40 में से 40 नंबर आएंगे तो कितना परसेंटेज बनेगा, 100% हो गया। अब 1075% तो बहुत ज्यादा दूर नंबर पे आएगा, ये तो मतलब 43 चल रहा है तो कहीं 400 या 4000 के करीब नंबर जाएगा तो जाके इतना परसेंटेज आएगा। एक तो यहां पर ये मार्क आ गया, ये नंबर तो यहां ब्लॉक हो गया। और 75% लिखा है, भाई मुझे पता है 40 का 75% ये नहीं होगा, 40 का 75% 30 होता है, तो अगर ऊपर होता 70 ठीक है और नीचे होता 40 तब मैं बोलता कि भाई 71-75% है, ठीक है, ये भी नहीं हो सकता था। फिर एंड में यही दो चीजें बचती हैं, और जब यहां आया तो मुझे इतना तो पता था 100% से क्या है, ज्यादा है, क्योंकि ऊपर वाला नंबर ज्यादा हो गया इस बार, हमेशा नीचे वाला नंबर बड़ा होता है ऊपर वाला छोटा, तभी 100 के अंदर अंदर परसेंटेज आती है, वरना 100 से ज्यादा आ रही होगी, तो फिर इसीलिए ये एक्यूरेट आंसर दिख रहा है। तो पहले जी कौन सा वन, ये एक ही चीज को देखो, ये रिमाइंडर है समझ लो, हमारे पास जब इसको ऐसे सॉल्व करते हैं ना इस टाइप का कुछ, ये वाले सवाल के अंदर 43 होता है, 43 डिवाइडेड बाय 40 इसका रूल होता है, 41 40 नीचे बचा 3, इसको सॉल्व करने का ये ऊपर चला जाता है, ये साइड पे आ जाता है, ये नीचे आ जाता है, सर्कल घूम जाता है, तो 3 रिमाइंडर हो गया, ठीक है। 40 जो जिससे डिवीजन हो रहा था जिसको बोलते हैं डिनोमिनेटर, वो यहां आ गया, और इसके लिए भी एक वर्ड यूज होता है क्यू से कुछ शुरू होता है, याद नहीं मुझे सर, आपने इसको तो 43 एंड 40 कैसे किया, क्या आपने उसे कैसे किया, क्या ये 40 को मल्टीप्लाई किया 1 से, 40 को 1 से मल्टीप्लाई करोगे क्या आएगा 40, तो मुझे पता चल गया कि भाई भाई ये आप क्या पूछ रहे हो, पहले ये बताओ ये 43 आपने ऊपर कैसे लिखा है, क्या किया भाई, ऑफ डिवाइड क्या हो रहा है ऊपर, 43 ऐसे लिखा है ना, 1 3 डिवाइडेड बाय 40, 40 में प्लस 3 कर दो, 40 अपनी जगह, 43 डिवाइडेड बाय 40, ये असल में एक्यूरेट तरीका, फिर उसको डिवाइड किया, डिवाइड के अंदर जो बचा वो लिख दिया, तो ऊपर वाली चीज रिमाइंडर होती है, नीचे वाली चीज डिनोमिनेटर होती है, और साथ वाली कुछ क्यू से नाम आता है, सर्च कर लेंगे हम बाद में। अब यहां आते हैं 107% हमने इसका एक्यूरेट आंसर देखा है। 5 पर आता हूं भाई, इसका आंसर बताओ, इसका आंसर बताओ अप्रोक्सीमेटली क्या होगा, इसका आंसर अप्रोक्स ये होना चाहिए, यही है इसका आंसर, सी है, ठीक है बिल्कुल। इसके लिए भी मैंने एक ही चीज रूल यूज किया, माइंड में ऐसे सोचा कि भाई 5 और 40 है, अगर यहां पर और ऑप्शन होते ना 40 48, वैसे ही आंखें बंद करके आप बता देते फौरन। मैंने सिंपल ऐसा काम किया, मैंने देखा 5 है ऊपर और नीचे कितना है 8 है, मैंने कहा 8 के 4 हिस्से करो, पहले 8 के चलो 2 हिस्से कर लो, 4 क्या हो गया 8 का 50%, उसका आधा करो 2 कितना होता है 25%, और 2 का आधा करो तो 1 कितने का बनेगा 12.5, मैंने कहा 12.5 को आप मल्टीप्लाई कर दो,
इसके साथ जितने पांच है, क्योंकि इसका मुझे पता चल गया एक वन जो है वो 12.5% का बन रहा है। वन 12.5 का है तो 5 से 5 को मल्टीप्लाई कर दो, जैसे होता है ना 12 का टेबल पढ़ लो ऐसे 12.5 मल्टीप्लाई बाय 8, 12.5 को आप 8 से मल्टीप्लाई करोगे 100% आएगा, क्योंकि इसका जो है आप ले लो समझ लो इसका 10% जो बन रहा है ऐसे वो मेरे पास क्या है 12.5 बन रहा है। तो जब मुझे 10% पता चल गया बाकी मैं खुद निकाल लूंगा। अच्छा यहां पर आते हैं हम 6 पे, इसका आंसर बताना है भाई 17.80। अब ये वाला तो वैसे ही कट गया, ये तो आंखें बंद करके कट गया, क्योंकि 17% तो 100 का 17% होता है, एक अमाउंट कट गया। 20% के करीब आप देख सकते हो, 80 का 20%, 25% तो हमें पता है, बी आंसर है 21.25। ठीक है भाई। अच्छा जब कोई कभी आपके पास मुश्किलात वाले सवाल आए ना, ऐसे एमसीक्यूज जिनको सॉल्व करना मुश्किल होता है, जिनमें आपको आंसर समझ नहीं आ रहा, करेक्ट आंसर नहीं पता चल रहा, फिर उल्टा करना शुरू करो, जो नहीं हो सकता ना पॉसिबल उसको देखना शुरू करो। चार ऑप्शन है, चार में से नोट करो इनमें से कौन सा है जो हो ही नहीं सकता, एक अंदाजा लगाओगे आपको पता चलेगा ये नहीं हो सकता, ये भी नहीं हो सकता, फिर जो बचे उनमें से, क्योंकि दो में से तुक्का मारना आसान है, चार में मुश्किल है, तीन में मारना आसान हो जाएगा चार के मुकाबले। तो ऑप्शन जितने कम हो सकते हैं, लेकिन उसके लिए 100% एक्यूरेसी चाहिए आपको, कि जैसे मैंने कहा 17% मुझे अंधा तो पता था ये ऑप्शन तो जाया हो गया इसका, अगर ये यहां ये दे देता 20.50 या ऐसा कुछ तो फिर मैं सोचता मुझे चारों ऑप्शन देखने पड़ते अगर मैं तुक्का मार रहा होता, लेकिन अब यहां पर ये ऑप्शन जाया हो गया 17, क्योंकि पता था 17 जो है परसेंट 17 आएगा 100 का तभी आ सकता है, वरना इसका 17% 70 नहीं हो सकता, ये बात हमें एक्यूरेट पता चल गई, तो फिर मेरे पास ये ऑप्शन बच गए। अब नेक्स्ट 7 पर आ जाओ भाई, 63/ इसका आंसर तो फटाफट से बता दो भाई, ये तो 100 की सीरीज में चल रहा है। हाँ बी डी, बच्चा कह रहा है डी है भाई इसका आंसर, डी इसका आंसर है बच्चा कह रहा है। ठीक है क्यों, क्योंकि 63 है, अगर नीचे 100 लिखा होता 100 का 63% 63 होता, लेकिन 200 का 63% होए क्या बता रहा है, लगेंगे चमाटे बिल्कुल ठीक हो जाओगे, खामोश हो जाओ, तो 100 का 63% तो 63 होगा, 200 का उसका आधा हो जाएगा, 300 का उसका भी आधा हो जाएगा। ठीक है भाई, तो उस हिसाब से हमने फटाफट से देख लिया भाई कि इसका क्या एप्रोक्सीमेट आंसर बनता है। 8 पर आ जाओ, अच्छा एक बीच में से रह गया क्या, 6 रह गया, हाँ भाई इसको वैसे ही सॉल्व करो, 8 3 = 32, 8 3 = 24 में प्लस करो 7, 31/8, 8 6 = 32, तो 8 6 तो हो ही नहीं सकता, 8 3 = होगा, ए आंसर है। हाँ कम वाला, बाकी सारे तो बच्चे ने देखो ऐसा आंसर बता दिया, बच्चे ने कहा सर ये हो ही नहीं सकते, क्योंकि नीचे बड़ी वैल्यू ऊपर छोटी वैल्यू है, ऊपर बड़ी वैल्यू है नीचे, हाँ ठीक है, क्योंकि ऊपर वाली वैल्यू क्या बन रही है 8 3 = 8 3 =, अरे भाई बोलो ना 8 3 = 24 में 7 डालो 31/8। ठीक है भाई, अब उल्टी परसेंटेज हो जाएगी, अब अगर यहां आ जाओ तो 38 वाला आंसर आ ही नहीं सकेगा, क्योंकि जाहिर सी बात है ऊपर क्या है बड़ी वैल्यू आ गई, नीचे क्या है छोटी। हाँ अगर होता 8/31 तो ये सब फेल हो जाते, क्योंकि भाई बड़ी वैल्यू ऊपर नहीं है, अब जहां बड़ी वैल्यू वहां पर है। चलो भाई बताओ इसका आंसर क्या है,
सी सी आंसर लॉक कर दे। जबरदस्त भाई, परसेंटेज निकालना आ गई बच्चों को, शुक्र है। अब यहाँ आ जाओ, ये वाला क्या है भाई, 17, ये तो हो गया है ना, तो ये इसका रंग क्यों नहीं चेंज हो रहा? अच्छा, क्या आंसर था? अब हो गया। चलो भाई बैग जाते हैं, यहाँ से इसको बंद करते हैं। अभी मैंने कौन सा पार्ट देखा है, उसका नेक्स्ट पार्ट देखें। परसेंटेज टू फ्रैक्शन हो गया, हाँ अब परसेंटेज टू फ्रैक्शन आ रहा होगा। हाँ भाई, 45% है, इसको कन्वर्ट करो फ्रैक्शन में। क्या डी आंसर? डी आंसर कैसे है भाई इसका? डी आंसर कैसे? हाँ, ये ऐसे नहीं हो सकता, क्योंकि ये ही नहीं बताया 45% किसका है। 45/100 दिया। हाँ, यही अपॉन वाली चीज, कल यही मेथड समझाया था इनको, पॉइंट्स लिखवाए थे, 3 स्टेप करवाए थे, वो 3 स्टेप फॉलो करते जाओ, इसका आंसर निकालो भाई। इसका आंसर क्या है? डी। डी को लॉक कर दूं भाई? डी आ गया भाई। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 2 पर आते हैं। 17.5% एज अ फ्रैक्शन। अरे भाई, क्या आ रहा है भाई इसका आंसर? 17.5% है ये। चलो भाई, नवीद आया? नवीद आज नहीं आया, मोहम्मद आया है सिर्फ। मोहम्मद तुम्हारा दूसरा साथी, एक और भी है, वो भी नहीं आया। हमजा नाम है उसका। हसनैन, आपने मैसेज किया था? हसनैन आप हो? हसन हो? हसनैन कौन है इधर? व्हाट्सएप पे तुमने मैसेज किया था? मैं मुझे ग्रुप में अपने पर क्या बी आंसर? क्या आंसर है भाई? वेल डन, बी इज द करेक्ट आंसर। 17.5 ये किया इसने, फिर वही चीज के पॉइंट के बाद कितने नंबर है उतनी वैल्यू से मल्टीप्लाई करो, फिर डिवीजन दे दो, सिंपल। ये कल 3 रूल लिखवाए थे कि पहले आपने जो नंबर लिखा है उसको आपने पॉइंट की शक्ल में लिखना, अभी ये तो हाई पॉइंट की शक्ल में, आपने फिर उसको मल्टीप्लाई बाय और डिवाइड बाय क्या करना है, 100 कर देना, जैसे यहाँ पे किया हुआ है, मल्टीप्लाई बाय डिवाइडेड बाय 100 कर दिया, सॉरी मल्टीप्लाई एंड डिवाइडेड बाय उसने नंबर से जितने पॉइंट के बाद वैल्यू है। अगर पॉइंट के बाद 1 डिजिट है तो 10 से, 2 डिजिट होंगे तो 3 होंगे तो 1000, ऐसे नंबर ऑफ जीरोस बढ़ते जाएंगे, ताकि जब आप उसको मल्टीप्लाई करोगे बड़ी वैल्यू आएगी, उसको डिवाइड करोगे ऑटोमेटिक एक्यूरेट आंसर दे देगा आपको। अच्छा, नेक्स्ट थर्ड पे आ जाओ। 260% एज अ मिक्स्ड नंबर। अब जो आपका आंसर आ रहा है ना, उसको आपने ये वो भी लेना है, आपका एक आंसर आ जाएगा बिलफर्ड, आप सॉल्व करोगे ऐसे कुछ आंसर आ रहा होगा 16/3, तो ऐसे करना है आपने उसको डिवीजन में 16/3, फिर ऐसे सॉल्व करना है, तो रिमाइंडर और ये बचेगा फटाफट से। परसेंटेज से डेसिमल में जाओ, फिर मल्टीप्लाई करो। हाँ, क्या आंसर आ रहा है? ए आंसर आ रहा है भाई, बच्चा कह रहा है ए आंसर है, जल्दी बोलो।
भाई इसका आंसर तुम बताओगे, सब खामोश हो जाएं। ये तुम बिल्कुल सुन बैठे हो, खड़े हो जाओ तुम। हाँ हाँ खड़े हो जाओ, आगे आओ, कॉपी दिखाओ, क्या लिखा है तुमने अभी तक? पेन कहाँ है? जेब में है तो तुमने लिखा क्या है अभी तक? क्या कर रहे हो तुम? इधर आओ, क्या कर रहे हो तुम? क्या कर रहे थे अब तक? ऐसे लगाऊं ना तुम्हें दिल कर रहा है, वहां से बुला के आ रहा है। चेयर लेकर आओ, इधर बैठो, यहाँ यहाँ सामने बैठो। कल से लास्ट टॉप भी यहाँ आना है तुमने भी, ठीक है? और वो कोने वाले जनाब, तुम दोनों भी उठ के आगे आओगे। क्या ए आंसर है? बच्चा कह रहा है भाई, अहमद कह रहा है एक है। अहमद के दुश्मन क्या है आंसर? अहमद दोस्त से भी लड़ाई हो गई है। क्या बोल रहा है अहमद? ये तो नहीं बोल रहा बाहर निकल तेरे को बताऊंगा, ऐसा तो नहीं बोल रहा। हाँ यही आंसर आ रहा है। क्या है भाई? ए को लॉक कर दूं? शाहजेब बेटा कहाँ पहुंचे हो? शोहेब, दूसरा शोहेब नहीं आया आज? हाँ भाई तुम्हारा तो सर के ऊपर से जा रहा होगा, पीछे वाले। हाँ बाउंसर जा रहा है सर के ऊपर से। ये इसका क्या नाम है चश्मे वाले का? इसका नाम भूल जाता हूँ मैं। शफीक क्या? शफीक, शफीक या शफी? शफी। हाँ भाई शफी हो गया। हसन, तुम भाई छुट्टी की थी कल, तुम आए थे तो फिर तुमने प्रैक्टिस नहीं की? वो जो पॉइंट्स लिखवाए थे, वो जो पॉइंट्स लिखवाए थे वो नोट नहीं किए? अब क्यों? अब देखो पहला काम है परसेंटेज से कहाँ जा रहे हैं? फ्रैक्शन में, फ्रैक्शन में ये वाला। तो परसेंटेज से फ्रैक्शन में जाने के लिए क्या स्टेप्स थे तुम्हें याद है? फिर तो तुमने प्रैक्टिस क्या की है? हाँ हाँ प्रैक्टिस लिखने थे, कोशिश की जरूरत ही नहीं है। मैं तो ये नहीं पूछ रहा कि होगा कैसे, मैं पूछ रहा हूँ स्टेप्स क्या है। तुम्हें स्टेप्स ही नहीं याद? पहले तो यही था इसको परसेंटेज को कन्वर्ट करना है डेसिमल में। डेसिमल में कन्वर्ट करने का असल में मकसद यही है कि 260 को आप डिवाइड कर दो 100 से, और जब 100 से डिवाइड करोगे वो आसान तरीका यही है। पॉइंट यहाँ पॉइंट दो टाइम याद, 2.60 हो गया, यही है, ठीक है? ये आपके पास डेसिमल का आंसर आ गया। इसको सॉल्व करने के लिए मल्टीप्लाई टॉप से भी और नीचे से भी मल्टीप्लाई कर दो। आप वन लिखो ना लिखो, ऐसे ही डाल दो। 2.60 है, कितने जीरो है यहाँ पे? इसके बाद दो है, तो 100 से मल्टीप्लाई करो। अब इसको मल्टीप्लाई करो, क्या बन रहा है ये? 2.6 को 100 से मल्टीप्लाई करो तो ये बनेगा 200, और नहीं 260 नहीं होगा, 200 तो है आगे देख। हाँ 260 डिवाइडेड बाय 100 करो इसको। अच्छा ये तो दोबारा घूम के वहीं आ गए हम, जहां से कान पकड़ा वहीं पे आ गए हैं, सीधा परसेंटेज पे। क्या आ रहा है? एक मिनट हम चेक कर लेते हैं ना आंसर से, सॉल्व करके दिखाया होगा। 260, अच्छा 260 डायरेक्ट फ्रैक्शन से डिवाइड किया इसने, 260 डिवाइडेड बाय 100 कर दिया, ठीक है 260 डिवाइडेड बाय। अच्छा और एक और मजे की बात कि जो राउंड फिगर है ना उसको तो आप सीधा कट करके ला सकते हो, सीधी बात है, जैसे हमने नॉर्मल। हाँ पॉइंट वाली वैल्यूज ऐसी जैसे 263 पॉइंट समथिंग होता है, इसको सॉल्व करना हमारे लिए मुश्किल है, तो आप रूल अप्लाई कर लो। लेकिन उसके बाद थ्री वाला स्टेप लो, और जो पॉइंट के बाहर है इवन में हो तो डायरेक्ट कट जाएगा। इवन का तो प्रॉब्लम ही नहीं है ना भाई, अगर वो वहां 102 भी लिखा है और नीचे 100 है, आपको पता ये कट जाएगा, 100 गायब हो जाएगा, 100 कट जाएगा नीचे, 2 काट देगा इसको। इसी तरीके से जो राउंड ऑफ फिगर है ना उनको तो डायरेक्ट सॉल्व कर लो, उनको तो डायरेक्ट डिवाइड कर दो, लेकिन जो राउंड ऑफ नहीं है। अच्छा ये भी इसने बता दिया होगा डिवीजन करके, 5/3 लिखा हुआ, उसके लिए भी 5 2 10 और 3, इसको जैसे डिवाइड करते हैं वही वाला तरीका इसने दिखाया है। क्या दिया हुआ 13/5, 5 2 10 और 3 बचा, 3 टॉप पे, ये इस तरफ और ये इस तरफ, बस ये इनको आपने रोटेट करवाना है। नेक्स्ट देखते हैं अगले सवाल, बस इन सवालों की थोड़ी प्रैक्टिस रखो भाई, ये सवाल ढेर लगे हैं आपके पास इस वेबसाइट पे, बहुत है सवाल, जितने की प्रैक्टिस करोगे उतना अच्छा हो जाएगा। 1.375% निकालो,
पानी तो ले आओ, पढ़ तो वैसे भी नहीं रहे हो, या आ रहा है कुछ समझ? हाय, चलो भाई बताओ। हाँ भाई शहजादे, कहाँ पहुंचे हो? करो ना, क्यों नहीं आ रहा, क्यों नहीं आ रहा? इतने दिनों से क्या कर रहे हो तुम? डी आंसर है भाई, बच्चा कह रहा है। बी, बी आंसर है, बच्चा कह रहा है। फटाफट से देखो भाई क्या आंसर है। वन पॉइंट थ्री सेवन फाइव परसेंट है, परसेंट में और इस तरफ चला जाएगा पॉइंट। सीधा सीधा आंसर बता दो भाई, डिवाइड करता हूं। 1.35 आ गया, और क्या निकालना है भाई? फ्रैक्शन में इसको डिवाइड कर देता हूं। ओह 1000 से क्या आंसर आ रहा है? और एक मिनट, मल्टीप्लाई भी तो करना। बी आंसर, अभी तक मेरे सामने एक आंसर आया बच्चे का कि बी आंसर आया। बी है दो, बी को लॉक करें। डी भाई, डी और बी में कॉम वो चल रहा है, बी देख लेते। यू आर राइट, बी आंसर है, देख लेते कैसे बताया इसने। 1.35 डिवाइडेड बाय 100, ठीक है भाई, डिवाइडेड बाय 100। परसेंटेज का मतलब है 100 से डिवाइड करना। मैंने बताया 100 से डिवाइड करते हैं, वो जो 1/100 को हम 0.1 में भी लिखते हैं, 0.2 0.3 ऐसे ही चला रहे होते हैं। सेम चीज यहां इसने लिखी। अब जितने डिजिट है सेम, फी डिजिट के लिए 10 से मल्टीप्लाई करना होता है, दो डिजिट है पॉइंट के बाद तो किससे मल्टीप्लाई होगा? 100 से, 100 से मल्टीप्लाई भी डिवाइड भी। ऊपर आया 135, नीचे कितना आया 10,000। जब इसको डिवाइड किया इसके साथ, ये अच्छा इसने कट कर दिया सीधा सीधा ऐसे ऊपर नीचे वैल्यूज को कट कर दिया। अब किस टेबल से किया? बड़े टेबल से किया, इसने दिखाया होगा। बोथ आर डिवाइडेड बाय 5, दोनों इस केस में 5 से डिवाइड हो रहे हैं, तो 5 से डिवाइड कर दिया। जहां तक राउंड फिगर, अब ये 35 है और ये 10 आ रहा है, तो 5 और 10 टेबल से कट सकते हैं, इस वजह से इसने 5 काट दिया, ठीक है भाई। और 2027 डिवाइडेड बाय 2000, 5 को जब इससे टेबल पढ़ूंगा, 5 का टेबल 27 तक 135 आएगा, और 10,000 को तो जब 5 से डिवाइड करूंगा 2 से ही डिवाइड होगा। अच्छा ये वाले वही रूल निकालते हैं, रूल याद है, यहाँ पे निकाल लेता हूँ। यहाँ पे कहाँ थे? ये रहा, हमने देखना है किससे जा रहे हैं हम, फ्रैक्शन टू क्या, कौन से क्वेश्चन निकालें? परसेंटेज टू फ्रैक्शन पे आ जाओ भाई, इस टॉपिक पे आ जाओ सीधा सीधा। परसेंटेज टू फ्रैक्शन, ये रहा पहला वाला, जो परसेंटेज दी है उसको डेसिमल में लिखो भाई, डेसिमल में लिख दो पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट उसके नीचे वन लिखना है आपने। तीसरा पॉइंट उसको मल्टीप्लाई करना 8 डिजिट के हिसाब से 10 से, वो वैल्यू फ्रैक्शन में आ जाएगी। अच्छा एक और मजे की चीज कि आ तो फ्रैक्शन में अभी भी गई है बेटा, एक मिनट। हाँ वो ठीक है, आंसर तो हमारा फ्रैक्शन में यहीं पर आ गया है ना, 135.10,000 आ गया है। ये तो अब जाहिर सी बात है, कट रहा है तो उसने और काटा है, उसने इसको पॉइंट में तो नहीं लेके गया, ठीक है, वो तो इसने ऊपर काटा। अगर ये बिलफर्ड ऐसा नंबर होता जो नहीं कट रहा होता, यहाँ स्टॉप हो जाता। कट रहा है तो इसने सिंपलेस्ट फॉर्म में जाने की कोशिश की है, जैसे कल हमने देखा था 4/2 लिखा था मैंने कहा था, या 2/4 था मैंने कहा था, इसको सिंपलेस्ट फॉर्म में लेके जाना है। 5 पर आ जाओ, इसका बताओ भाई 11.25% को फ्रैक्शन में,
जो रूल देखा हुआ उस रूल के हिसाब से सॉल्व कर लो, फटाफट आंसर आ जाएगा आपका। शायद रूल से सॉल्व करो, जो आंसर आए बता दो मुझे, उसको हम फिर इसमें कन्वर्ट कर लेंगे। यार गर्मी ने तो हालत टाइट कर दी है। फैन ऑन करता हूं तो वो आंखें जलती हैं, बंद करता हूं तो गर्मी लगती है। हाँ भाई कहाँ पे पहुंचे आप? सी आंसर आ रहा है बच्चों का। क्या आंसर आ रहा है? शेबाद क्या, शादेब क्या आ रहा है? नहीं जो बड़ी फ्रैक्शन आ गई वो दे दो मुझे बस। क्या आ रहा है? सी, सी इज द राइट आंसर। और कैसे देख लेते हैं? यार आंखें जल गई हैं। यहाँ पे यहाँ के बाद इसने सॉल्व किया ना भाई, देखो नीचे यहाँ के बाद ऐसे सॉल्व करते हैं। देखो 11, 25, 10,000 सही है। 5 2 10 और 5 5 10। अच्छा ये एक चीज की गलत हो जाएगा, 5 को ऐसे नहीं लेगा ना, 512 को 7 सॉल्व करना। अच्छा ये कंफ्यूजन देखिए, चलो सामने आ गई है, यही वाली आपको बता भी दूं साथ साथ कि जब इसको सॉल्व करते हैं ना तो एक कंफ्यूजन आती है। इसको ऊपर ही करो, ये आ रहा है 11, 11, 25 और 10,000। 11 अबे क्या है, सारे पेन थक गए। 25 अपॉन 10,000। अच्छा यहां करते हैं 5 2 10 ठीक है, और ये 1 इसको दे दो। अब इसको अलग से सॉल्व करना है आपने, ठीक है। अब इसको ले आओ, अब दो तरीके हैं अब आपके पास इसको सॉल्व करने के। या तो आप इसको ऐसे सॉल्व करो, कुछ ऐसी वैल्यू होती है, यहाँ का 10 होता ना ये, जैसे मैं एग्जांपल दे रहा था जो आपको, ये ऐसे होता है तो बच्चे बताए क्या कर देते हैं सॉल्व। 5 2 10 कट गया, 5 5 25 सही काटा है या गलत काटा है? नहीं वैसे अप्रोक्सीमेटली बच्चों को नहीं बताओ क्या होगा, 5 2 10 5 5 25 तो सही कटा है ना। लेकिन 5 का टेबल अगर 25 तक पढ़ू तो क्या आता है? ये तो 1 2 5 आएगा, 25 मंजे 125 ठीक है। तो इसका मतलब ये है कि जब ऐसे वैल्यू आए स्टार्ट में आपके पास तो आप ऐसी वैल्यू को ट्रिपल में लेके चलो, फिर 1 0 2 5 जैसे आ रहा है तो ट्रिपल में लेके चलो, फिर उसके बाद सॉल्व करो ताकि बड़ी वैल्यू सॉल्व हो, वरना आंसर आपका गलत ही आएगा। क्योंकि मसला ये कि बीच में आप एक चीज मिस कर रहे हो, 0 या 100 की जो वैल्यू बच रही है। अच्छा अभी हमारे पास क्या है, 11 25 ये हमारे पास है, हमने 5 से इसको सॉल्व करना है। मैं आ जाता हूँ यहाँ पर, कर देता हूँ 5 2 10 और 1 इसको मिला 12 हो गया ये, और 5 का टेबल कहां तक पढ़ू, 2 कितना बचा, 2 इसको मिल गया, 5 5 25 225 ठीक है भाई। अब नीचे आओ तो सीधा सीधा कट जाएगा, 2000 आ गया, यहां तक तो सीधा हो गया, 20,000 है सॉरी, अभी भी 5 है, इसका मतलब अब भी कटेगा, 5 4 20 ठीक है,
कितना मिला इसको 2, 5 5 का 25 और ये कट गया और कटा 800 हां 5 20 आ रहे तो 8 से कटेगा 800 नहीं 5 4 का 20 400 ना हां अब यहां आ जाओ कितना बचा ऊपर 45 अब 45 5 9 का 45 और इसको भी काट लो 400 है 5 10 का 40 दिया था 20 से मल्टीप्लाई कर दो 40 मल्टीप्लाई बाय 5 पे क्या देते हैं 40 है 200 ये तो 400 नहीं है सॉरी 40 नहीं 400 है तो 5 से इसको काट दो 5 8 का 40 और 0 का 0 80 9 अपॉन 80 कट रहा है नहीं 9 अपॉन 81 कटता है 9 अपॉन 80 तो नहीं कटता 9 अपॉन 80 9 अपॉन 80 यही आ रहा है और यही करेक्ट आंसर था हमारे पास ये मार्कर डिम हो गया है इसलिए लिखना लिख रहा तो एक्यूरेट समझ नहीं आ रहा ठीक है भाई इन सवालों की थोड़ी सी यहाँ पे क्वेश्चन हैं आपके पास और भी हैं जैसे यहाँ फ्रैक्शन के निकाले हैं और भी इसके अंदर क्वेश्चन पढ़े कन्वर्जन के ढेर लगे हैं पीछे तो इन क्वेश्चन की थोड़ी प्रैक्टिस रखो भाई ठीक है मंडे वाले दिन हम मैथ ये जो मैथ इज फन का नंबर वाला सिस्टम है इसके तीन पार्ट है मंडे की क्लास में खत्म कर लेंगे एक एस्टिमेशन बचा है वो देख लेंगे और एक असेंडिंग डिसेंडिंग ऑर्डर्स हैं वो देख लेंगे और एक आध और चीज थी इसके अंदर बस नंबर सिस्टम से फिर बाहर निकल आएंगे फिर उसकी अगली क्लास से ज्योमेट्री है ज्योमेट्री का सेक्शन निपटाना है अलजेब्रा का निपटाना है और फिर डेटा पर आ जाएंगे सबसे बड़ा पार्ट हमारा डेटा है डेढ़ हफ्ता डेटा चलाएंगे सही है भाई लगातार